Good morning, students. Welcome to your maths class. Today we are going to do problem sums of chapter weight. First of all, put date on left side of your page and write classwork on right side of your page. Then put heading chapter weight. First of all, we are going to discuss some important points related to this chapter. First point. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट वॉट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट स्टैंडर्ड मीन्स मेन यूनिट वेट की वेट मीन्स वजन वजन करने की मेन यूनिट कौन सी है सो सोवर आंसर इज किलोग्राम किलोग्राम मीन्स केजी। जी सेकेंड बिग मेजर ऑफ वेट बिग मेजर मीन्स हैवी जो भारी चीजें होती है उनका हम वजन किस यूनिट में करते हैं के में थर्ड पॉइंट सिमिलरली जो स्मॉल मीन्स हल्की चीज़ें जिनका वेट ज़्यादा नहीं होता है उनका वेट हम किस में करते हैं ग्राम में फोर्थ पॉइंट वन के जी इज इक्वल टू थाउजेंड ग्राम वन के जी इज इक्वल टू थाउजेंड ग्राम मीन्स अगर हम बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट का वेट थाउजेंड ग्राम है इट मीन्स उसका वेट वन के जी है दोनों एक ही बात है नाउ राइट प्रॉब्लम सम्स पेज नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव टोमी वेट थर्टीन के जी एंड किटी वेट नाइन के जी वट इज देअर वेट टेकन टूगेदर टोमी का वेट है थर्टीन के जी किटी का वेट है नाइन के जी अब इनका वेट टूगेदर टुगेदर मीन्स इकट्ठे टोटल इनके वेट का टोटल कितना होगा सो वी हैव टू डू एडिशन सो वी विल राइट थर्टीन के जी लाइक दिस एंड देन नाइन के जी नाइन को हम वन के नीचे नहीं लिखेंगे नाइन को हम थ्री के नीचे लिखते हैं ये हमने याद रखना है सिंगल डिजिट हमेशा हम राइट right साइड से फिल करनी स्टार्ट करते हैं और इस तरफ कुछ भी नहीं है तो हमने जीरो लिख दिया के के नीचे के जी सो इट इज़ के जी थ्री प्लस नाइन ट्वेल्व टू हेयर एंड वन इज कैरी वन प्लस वन इट्स टू आवर आंसर इज ट्वेंटी टू के जी डू यू गेट दैट सी नेक्स्ट सुनीता बाइज एट के जी एप्पल्स एंड ट्वेंटी फाइव के जी मैंगोज़ शी पुट देम इन अ बैग वट इज़ द टोटल वेट ऑफ द बैग सुनीता ने एट के जी एप्पल्स ख़रीदे हैं और ट्वेंटी फाइव के जी मैंगोज़ खरीदे हैं उसके बाद उसने उन्हें बैग में डाल दिया तो जो वेट होगा बैग का टोटल वो कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है वी विल राइट एट हेयर देन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव को हम इधर से नहीं लिखना स्टार्ट करेंगे ट्वेंटी फाइव को हम इधर से लिखते हैं डिजिट के नीचे डिजिट एट ट्वेंटी फाइव पिछली डिजिट एट के नीचे आएगी और टू इधर यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे यूनिट साथ साथ लिखेंगे के जी के जी इन आंसर वी विल राइट के जी एट प्लस फाइव इट्स थर्टीन वन कैरी एंड थ्री वी विल राइट हेयर टू प्लस वन टू प्लस वन इज थ्री आवर आंसर इज थर्टी थ्री के जी सी नेक्स्ट अ शॉपकीपर सेल्स थर्टी टू के जी राइस ऑन मंडे एंड फोर्टी सेवन के जी राइस ऑन ट्यूजडे हाउ मच राइस डिड ही सेल इन टू डेज एक शॉपकीपर शॉपकीपर मीन्स दुकानदार ने थर्टी टू के जी राइस राइस मीन्स चावल मंडे को सेल मीन्स बेचे है और फोर्टी सेवन के जी राइस ट्यूजडे को बेचे है तो उसने टोटल कितने राइस सेल करे दो दिन में वी विल राइट थर्टी टू के जी देन फोर्टी सेवन के जी एंड एड के जी सेवन प्लस टू नाइन फोर प्लस इज सेवन के जी यूनिट लिखना याद रखेंगे यू ऑल्सो हैव टू डू नंबर नेम्स फ्रॉम सेवन हंड्रेड सिक्सटी वन टू सेवन हंड्रेड एटी Like this. Okay, students, do the work very neatly. And remember to put date and write classwork on top. Thank you and have a nice day.